जिन वर वस हेण जेड़ी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा गुरु मेरे ऋषिव के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव एक चरण श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव एक चरण मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव एक चरण श्री महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री क्षण विद्यासागर जी मुनिराज के, परम पूज्य सष्टम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री अक्षर ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुवर श्री के सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री अक्षर सुधा सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री अक्षर साक्ष सागर जी मुनि राज की, त्रि मुनि राजो की। धर्मेश नहीं बंदो चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर, भक्ति गंगा गंगा में डूबने का प्रयास। करेंगे भक्ति ही मुक्ति का कारण है, भक्त से ही भगवान बनते हैं और भक्ति ही भक्त से भगवान बनने का कारण, भक्ति ही कंकड़ से शंकर और भक्ति ही आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। मैं भक्ति प्रभु के गुणगान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रज्वलन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, इस सारे भक्ति के ही रूप है। हम लोग प्रत्येक दिन पूजन करते हैं ना, कौन सी करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजन। मैं आपको छोटी छोटी चीजों से ले जाऊंगी। समय सार पढ़ना, नियम सार पढ़ना, प्रवचन सार पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। पहले हम चार लाइनों को पढ़ना सीख ले, पूजन करना सीख ले तो हमें समय सार जल्दी से समझ में आएगा। मेरी भावना में लघु समय सार गर्भित है, छह डाला में कई ग्रंथों का सार है और छह डाला ग्रंथ जिन्होंने पढ़ लिया उसमें चारों अर्थियों के दुखों का वर्णन दिया है और निगोद से यात्रा और कहां तक सिद्ध शिला का वर्णन दिया है और बीच में सारी चीजें बतलाई हैं कि यह जीव किस प्रकार से पंच प्रवर्तन करता है। हमें अपने जीवन में मेरी भावना से शुरू करना चाहिए। मेरी भावना, आलोचना पाठ और छह डाला, ये तीन चीज अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ते भी होंगे, पढ़ते हैं? मेरी भावना कौन कौन पढ़ता है? सभी को पढ़ना चाहिए। उसके दो लाइन शुरू कीजिए। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष
मार्ग का निष्प्रह है उपदेश दिया। पढ़ते हो ना, आगे नहीं बढ़ो। इसमें क्या लिखा, इसका सार क्या है? आप मेरी भावना तो प्रत्येक दिन पढ़ते हो, ये जो दो लाइन पढ़ी है इसका सार क्या है? क्या पढ़ा आपने? वो दो लाइन क्या कह रही है? ये शब्दों में कह दिया और छोड़ दिया, शब्दों में कह दिया और छोड़ दिया कि जिसने राग देश जीत लिया, काम जीत लिया, क्रोध मान माया लोभ जीत लिया, उन्होंने तो जीत लिया। तुम काय के लिए पढ़ रहे हो? उनको सुनाने के लिए? किसको सुनाने के लिए? किसको सुनाने के लिए? बस यही तो जाना है, बस यही तो करना है, बस यही तो देखना है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। किसने जान लिया? जिसने राग देश को जीत लिया, और हमने अपने राग देश को बढ़ा लिया। हमें और चाहिए, और चाहिए। भगवान, मेरी भावना आपके लिए लिखी है, आपको सुना देते हैं। ऐसा है क्या? मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, हे भगवान, आपने जैसे राग को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, काम को जीत लिया, राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, आपने इन सब को जीतने के बाद ही सारे जग को जान लिया। कब कब जाना? जब इनको जीता, राग द्वेष को। और हम तो कसाईयों को ही नहीं जीत पाते, हम तो तेरी मेरी से ही नहीं दूर हो पाते, हम राग द्वेष कैसे जीतेंगे? कभी मन में विचार आया? अगर हम आपसे कहें कि आप पीछी का मंडल, तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं लोगे या नहीं लोगे, कम से कम भावना ही बना लो। पीछी का मंडल ना ले पाओ, अगर अणु व्रत महाव्रती ना बन पाओ, अगर एक टाइम भोजन ना कर पाओ, तो कम से कम एक छोटा सा नियम ही ले लो कि हम ना किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई सुनेंगे। कर सकते हो? माता जी, इतना कठिन नियम, शायद उपवास का नियम दे देती तो पल जाता। उपवास दे देती, एकासन का नियम दे देती तो शायद पल जाता, लेकिन इतना बड़ा नियम, ना बुराई करना और ना बुराई सुनना, तो ये मोबाइल बेकार हो जाएंगे। इन मोबाइल पर होता ही क्या है? ये मोदी जी ने ना फ्री करके इन महिलाओं को फ्री कर दिया। जब देखो मोबाइल पे लगी रहती है, जब देखो श्रीमान जी भोजन करने के लिए आए हैं, कह रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ बस। ये मोबाइलों ने, ये मोबाइल राग देश से जिताएंगे तुम्हें या ये राग देश कराएंगे? ये सारे राग देश की जड़ मोबाइल है। झूठ बुलवाने का कारण मोबाइल है। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है, सबसे ज्यादा पाप कराता है, तो वह मोबाइल है। आप रास्ते में है, किसी ने पूछा कहाँ हो, अगर आपको नहीं बताना मैं तो घर पे हूं, और घर पे नहीं बताना तो कह दिया बाहर हूं। सबसे ज्यादा झूठ कौन बुलवाता है? कितना पाप करते हैं हम। और मेरी भावना में क्या पढ़ रहे? एक एक लाइन ले लूं आप, कोई सी भी, कोई सी भी। आप पूजन करते हैं? पूजन करते हैं?
देव सास गुरु की पूजन की है? की है नहीं की? हमने तो नहीं कर पाई अभी तक, आपने की हो तो मुझे पता नहीं। चार लाइन पढ़ के दिखाना। पहला जल का, जल की चार लाइन पढ़ के दिखाओ। दे अनादिकाल से, आपने तो कह दिया अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता को माना शुद्र जातम सम्यक रत्नात्र नहीं देखो नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्र जल श्री देव सास गुरु को दिहाऊँ विद्यमान श्री भी शंकर सिद्ध प्रभु जी गुण गाऊँ। ओम ह्रीम श्री देव सास गुरु श्री विद्यमान अनंत सिद्ध प्रवेश जन्म जन्म दुनासन जलम निर्वामी थी। कर दिया सुहा। इस सुहा को करते करते, इस सुहा को करते करते कितने साल बीत गए। ये काले बाल सारे सफेद हो गए, वापस फिर काले कर लिए। लेकिन यही नहीं पता कि चढ़ाया क्यों था जल। कौन सा जल चढ़ा रहे हो, कुएं का या बोरिंग का या नल का? कौन सा जल चढ़ाया, जल कौन सा चढ़ाया तुमने? जो इसमें चढ़ाया है वो जल कौन सा था, कुएं का था, बोरिंग का था या नल का था? कौन सा जल था? बोरिंग का बताओ ना। बोरिंग का, कुएं का नहीं था? इसमें कुएं का लिखा है, इसमें नल का लिखा है, तो फिर कौन सा लिखा है? हैं? अब किसी ने कॉपी कर लिया, किसी ने, किसी ने बता दिया होगा तो उसकी कॉपी गई। पक्का नहीं बताया, अपने मन से बताया। हाँ, यही मैं आपका दृष्टिकोण इसकी ओर ले जा, जिनवाणी माँ की ओर ले जाना चाहती हूँ। आपके ध्यान को जिनवाणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। जो इसमें लिखा है आप वही पढ़िए। ना इसमें कुएं का जल लिखा है और ना इसमें बोरिंग का जल लिखा है, ना इसमें नल का जल लिखा है, इसमें तो रत्नात्र रूपी जल लिखा है। हमारा दृष्टिकोण गया कभी? अब पढ़ो इसको। बताया था ना कल चाय का दृष्टांत बताया था, जब चाय में पूछी थी इलायची तो भाव कहाँ गया था? इलायची पर, दूध पर नहीं गया था, पत्ती पर नहीं गया था। और जब पूछा था पत्ती के बारे में तो चाय में पानी की तरफ ध्यान नहीं गया, दूध की तरफ ध्यान नहीं गया, इलायची की तरफ ध्यान नहीं गया, पत्ती की ओर ध्यान गया कि पत्ती कम है और ज्यादा है। जिस चीज के लिए पूछा गया उसी पे ध्यान गया। ऐसे ही हमें एक एक शब्द पर ध्यान डालना है। अब पढ़िए आप चार लाइन। अनादिकाल से जग में स्वामी, जैसे आपको वेदना होती है ना, पीड़ा होती है, तुम्हारे को अड़ोसी पड़ोसी दुखी कर लेते हैं, सासू माँ, जिठानी, देवरानी, श्रीमान जी, श्रीमती जी, बड़े परेशान हो जाते हो तुम इन लोगों से, होते हो ना? तो जब तुम्हें बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो तुम फोन लेते हो जिससे ज्यादा इसने होता है उससे, कहते हो आज पता है मेरी जिठानी ने इतनी सुनाई बिना मतलब के सुनाई, मेरा कोई दोस्त नहीं था फिर भी मेरी सासू माँ ने सुनाई। और सासू माँ कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं था, मुझे बहू ने बिना मतलब ही जवाब दे दिया। किसको सुनाते हो? जिससे आपकी घनिष्ठता होती है उसको अपनी वेदनाएं सुनाते हो। लेकिन तुमने अपनी घनिष्ठता यहाँ बनाई नहीं। अगर तुम यहाँ बना लेते तो एक बार यहाँ सुना देते और यहाँ पे सुनाते। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, अनादि काल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। क्या कहा? अपनी वेदना कहाँ रखी?
अनादिकाल माने अनादिकाल याद आ जाना चाहिए। हे भगवान, अनादिकाल हो गया, अभी तक मैंने अपने रत्नात्रय को नहीं पहचाना। इस चार लाइनों में कहा, तुम तो इतनी देर में पूरी पूजन करके चले जाते हो। यहां तो पूरी पूजन हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब बताओ मुझे, यहां कहां लिखा है कुएं का जल, बोरिंग का जल, नल का जल, कौन सा जल चढ़ा रहे हो? अनादिकाल से। अब अपने और अंदर के भावों को और लेके जाओ, और लेके जाओ भगवान के चरणों में, और अनादिकाल माने अनादिकाल के भाव प्रकट करो। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना। अनादिकाल से भगवान मैंने जल से शुद्धि को माना, जल से शुद्धि कर ली तो मैंने शुद्ध हो गया, जल से शुचिता को माना, जल से शुद्धि को माना, जल से शुचिता को माना। और किससे शुद्धि थी? शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैरूप, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना।